हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। एक सेकंड, मेरा इसमें वीडियो चल रहा था तो मैं इसका वॉइस स्लो कर देती हूं क्योंकि कल ना मैंने इस मोबाइल से वीडियो चलाया नहीं था। ओह, चल रहा है। और यहाँ पर मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है इंडक्शन में, और मैं आप लोगों से कुछ बात करने आई हूँ, बात करना चाहती हूँ। तो मैं कुछ बात करना चाहती थी। अभी मेरा सारा कुछ काम हो गया है, बस नहाने जाना है, नहा धो करके और फिर मुझे अपने काम में लगना है, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा हुआ है, मुझे अब फिर निकलना भी होगा, है ना। और भगवान, मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर मैं कोई भी दुविधा में रहती हूँ, कोई भी मेरे साथ परेशानी आती है, तो मैं बिल्कुल अंतरात्मा से भगवान को याद करती हूँ और बोलती हूँ, भगवान जी अब आप हो, मेरी समस्या का समाधान जरूर करो। और आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि मैं हनुमान चालीसा यानी स्टार्ट कर दिया है मैंने, तो बहुत ही उससे लाभ मिला है हनुमान चालीसा से। उस दिन ऐसे गैप हो जाते हैं और कि हम चाह करके भी नहीं कर सकते हैं पाठ, कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी कुछ ऐसा। तो पर यह है, हनुमान चालीसा पढ़ने से एक अलग सा ही एक एनर्जी आती है, का अलग से एक जुनून सा आ जाता है शरीर में, एक फुर्ती सी आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बोलते हैं कि कलयुग के जो भगवान हैं, साक्षात भगवान है ये हमारे, और बोलते हैं महिलाएं इनकी पूजा नहीं करती हैं, तो हाँ महिलाएं पूजा नहीं करती हैं, पर दूर से उनको यानी प्रणाम कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं। और मैं उनकी पूजा करती हूँ, भाई के रूप में पूजा करती हूँ कि अब आप ही हो जो भी हो, और मैं उनका चालीसा करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और खाटू श्याम बाबा, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं खाटू श्याम बाबा जो हैं उनके दर्शन करने जाऊँ जो राजस्थान में है, पर पता नहीं कब पॉसिबल हो सकता है ये, पर इच्छा है। और बोलते हैं उनका भी यह है कि जो भगवान ने, जो ब्रह्मा जी ने हमारी किस्मत में लिख दिया है, जो भगवान जी बोलते हैं ना कि भगवान जी का लिखा कोई भी नहीं मिटा सकता है, पर उनको ये वरदान मिला है कि हमारा लिखा हुआ भी यानी जो हमने लिख के दिया है किसी के जीवन में क्या होना क्या नहीं होना है, तो वो चीज़ भी उनके पास ऐसा वरदान है कि वो उस चीज़ को यानी कोई भी भक्त है बहुत दुखी और उसके जीवन में सारे जीवन दुखी दुख है, तो वो ऐसा यानी कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाता है कि दुख भी गायब हो जाते हैं। तो खाटू श्याम बाबा, हम ये बोलेंगे, आप लोग बोलोगे कि अलग अलग भगवानों के नाम या अलग अलग भगवानों के प्रति हमारी जो भावना जागृत हुई है, तो भगवान तो एक ही है, नाम उनके अनेक हैं। तो आस्था मन में है, तुम्हें जिसके प्रति रखना है पर अंतरात्मा से रखो और उनकी सच्चे दिल से सेवा करो, उनका नाम अपन दुनिया के सामने रोने से कोई मतलब नहीं है। और अभी मैं बता दूं, मेरे पापा की थोड़ी सी तबीयत ऐसी ठीक नहीं चल रही है। उस दिन भी वीडियो गया था मेरा शॉर्ट पापा जी को याद करके, तो किसी ने बोला था कि पापा है नहीं, तो मैंने लिखा पापा हैं मेरे और उनको मेरी उम्र लग जाए। और एक चीज़ से मैं बड़ी अभी दुखी हूँ कि पापा का कॉल आया था मेरे पास, तो पापा रोने लगे थे, है ना। तो होता है, वो कभी मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। एक बात मैं और बता दूं कि मम्मी का कॉल आता है मेरे पास, भाई का भी आ जाता है, बहन का भी आ जाता है, और कुछ हो जाता है ऐसे कि मुझे मैसेज होता हूँ, मुझे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी पसंद नहीं आती है। और पापा आज मेरे रो के मेरे से बात कर रहे थे, तो कोई भी हो और माँ बाप जो होते हैं तो उनको तकलीफ नहीं देनी चाहिए बिल्कुल भी अपनी तरफ से। एक जब हम बच्चे होते हैं और अपने माँ बाप के सामने रोते हैं कि पापा हमें ये चाहिए, मम्मी हमें ये चाहिए, मैं शुरू से अपने पापा को ज़्यादा प्यार करती रही, अपने पापा को बहुत चाहा है मैंने, और मेरी कभी भी उनसे, मैं कभी भी जिद नहीं की उनसे कोई भी चीज़ की, चाहे मेरे पास मेरी शादी होने के बाद भी मैं उनसे कोई भी कुछ चीज़ नहीं कहती थी,
और अभी भी मैं उनसे बिल्कुल फेस टू फेस ऐसे बात नहीं कर पाती हूँ, यानी कि ज्यादा उनके साथ में, जैसे बोलते ना कि बराबरी से बैठ के बात करना, मेरे में नहीं होती, मैं नहीं कर पाती हूँ। हाँ, कभी ऐसा लगता है कि जरूरी है बोलना तो मैं तब बोल लेती हूँ, बट मैं पापा से ज्यादा बात नहीं कर पाती हूँ। उनका कॉल आता है तो मैं बात कर लेती हूँ, बहुत कम कॉल आता है। तो उनका अभी 4 दिन पहले कॉल आया था, हाँ बेटा क्या कर रही है, तुझे लगा रहा था तो कहीं और लग गया था। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे अपनी बिटिया से बात करना है, अपनी बड़ी बिटिया से बात करना है। तो अभी आज फिर आया था सुबह सुबह फोन, तो वो ना रो रहे थे, थोड़ा सा रोए ऐसी बात करते करते, बोलते कि बेटा मैं इधर हूँ, मुझे यहाँ पर कोई अभी देखने नहीं आया, इतने दिन हो गए। तो मैंने बोली पापा अब मैं तो इतनी दूर हूँ और आप टेंशन मत लो, मैं कुछ दिन बाद आने वाली हूँ, फिर मैं कुछ दिन आपके साथ रहूँगी, घर में रहूँगी, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको भी, और किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेने का है, मैंने ऐसा बोला। और थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रोए, बस मैं समझ गई थी कि वो थोड़ा सा उनकी वॉइस से लग रहा था ऐसा। और मेरे पापा सच में बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे बचपन में, मेरे को सारी चीज़ यूनिक रहती थी, कोई भी चीज़। 3 भाई बहन हैं हम लोग, मेरा स्कूल अलग था, वो दोनों का अलग था, तो मेरे लिए सारी चीज़ें नई आती थी। और मेरी जो चीज़ मेरे को हर साल मिलता था नया, और मेरी जो चीज़ जो रहती थी वो उनको दे दी जाती थी, बैग हो, जूते हो, ड्रेस तो अलग थी मेरी, बट फिर भी जो भी मैच हो जाता था तो वो दे देते थे, मेरे लिए हमेशा नया आता था। और उनका, यानी हर माँ बाप का रहता है कि हमारा बच्चा कुछ करे बड़े होके सब कुछ, बट समय कुछ और लिखा होता है। पर कोई ना, हम बचपन में अपने माँ बाप के सामने रोते हैं और माँ बाप हमारी जरूरतों को पूरा कर देते हैं, क्योंकि वो हमें रोता हुआ नहीं देखते हैं, चीज़ें समझाते हैं। आज जब हम बड़े हुए हैं और हमारे पापा हमारे सामने रोए, कितना बुरा लगता है ना। तो मैंने बस उनसे यही बोले कि पापा टेंशन मत लो किसी भी चीज़ की, मैं आ रही हूँ अभी, कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा, मैं कुछ दिन रहूँगी आपके पास, खाने पीने का भी ध्यान रखूँगी, सब कुछ ठीक रहेगा। तो मैंने ऐसा बोला था, मुझे बुरा लगा उस चीज़ को लेकर के कि कई औलादें कैसी होती, कैसे अपने माँ बाप को इतना दुख दे देते हैं। अभी कल परसों के दिन मेरा एक वीडियो और गया था, जो कि मैंने बताया था कि माँ बाप की कभी कितना ही कुछ हो, माँ बाप की दिल में, यानी माँ बाप को कभी दुखी नहीं करना चाहिए अपनी तरफ से, माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो हमें बचपन से इतना बड़ा पाल पोस के बड़ा करते हैं, हमें कुछ चीजें सिखाते हैं, स्कूल भेजते हैं, या हमारा बच्चा, आज हमारा भी बच्चा है ना, जो लोग देख रहे हैं आप लोगों के बच्चे होंगे, तो आप लोगों को अपने बच्चे से कितनी उम्मीदें रहती है, हमारा बच्चा ये करे, हमारा बच्चा वो करे, और जब बच्चा कुछ नहीं करता है और बड़े होकर उनको ही दुखी करता है। जब माँ बाप शांति से खिला रहे हैं तो चुपचाप से खाओ, नहीं कुछ कर रहे हो तो कम से कम उन्हें तकलीफ मत दो, एहसान नहीं जताओ कि हम तुम्हारे साथ रह के जी करके हम एहसान जता रहे हैं, तुम्हारा होना ना होना कोई मतलब का नहीं है। माँ बाप को दुखी मत करो, क्योंकि माँ बाप की अगर आत्मा दुखी तो तुम सारे जीवन भर, जैसे कि मैंने बताया था, गोबर हो तुम, गोबर तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है, तुम गोबर बटोरते रह जाओगे सारे जीवन भर। माँ बाप की कभी आत्मा नहीं दुखाना चाहिए, माँ बाप कभी दिल से अपने बच्चों को बद्दुआएं वगैरह नहीं देते, गुस्सा हो जाएंगे सब कुछ है, बट वो बद्दुआ कभी नहीं देते। आज मुझे बहुत बुरा लगा कि पापा रोए। आप लोग प्रे करिए कि पापा जल्दी ठीक हो जाएं। खाना वाना तो खा रहे हैं, बस वो है कि एडमिट है, थोड़ा सा उनके पैर में स्वेलिंग है, एक पैर में स्वेलिंग है, थोड़े से इधर सीने में भी प्रॉब्लम है, तो वो जल्दी से ठीक हो जाए। भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि सब लोग बने रहें, यही बोलूंगी, पापा मेरे जल्दी ठीक हो जाएं और उनको कोई भी कष्ट ना हो, क्योंकि बुढ़ापे में सुख से जीवन व्यतीत करना चाहिए, यही बोलेंगे।
बाद में मिलूंगी और उस वीडियो का एंडिंग में यहीं पर करते हैं। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताओ कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर है ना पूरा है ना ससुराल है पूरा, क्या आप का भी प्यार अधूरा है बापूजी, बताओ ना बापूजी क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती।